أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله خوش نصیب ہے وہ انسان جسكو نيك نیک اعمال کرنے کی توصیح مل

ये सतन हो जाए कि हलाल पेट में गया है या हराम, सूद है या लॉटरी बैंक से कर्जा लिया है या लोगों का कर्ज दबाया है झूठ बोल के कमाया है या किसी की चोरी की है डाका डाला है तो फिर याद कर लीजिए नेक आमाल बर्बाद हो जाते हैं उस इंसान के इंसान का रिजक हराम हो खाना और पीना हराम खाना और पीना हरामदल ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ बहुत से ऐसे आमाल हैं जिनके करने वाले को उसका बदला नहीं मिलता और ये बड़ी बदनसीबी की बात है इंसान मेहनत भी करे और नतीजा ना निकले अपने तौर पे वो समझ रहा हो कि मैं नेकियों का स्टॉक इकट्ठा कर रहा हूँ और क़्यामत के दिन उसकी नेकियों की तराजू ना लगे वो कौन से गुनाह हैं जो नेक आमाल की कबूलियत में रुकावट बन जाते हैं उन अमाल में से एक अमल रिस्क हराम खाना जो जिसम हराम माल पे पलता है जन्नत से ज्यादा जहन्नम की आग उस जिसम पे हक रखती है अल्लाह बचाए तो बचाए अभी तो हालत अक्सरियत की यह हो चुकी है कि माल आ कहां से रहा है ये फिक्र ही खत्म हो गई आना चाहिए बस हलाल या हराम ये सोचने का हमारे पास टाइम नहीं है और जब इंसान के दिल से ये सोच खत्म हो जाए कि मैं हलाल खा रहा हूं या हराम खा रहा हूं अहम चीज ये है कि मेरी जेब भरी हुई होनी चाहिए तो ये इंतहाई बदनसीब इंसान है क्यों क्योंकि अल्लाह मालिक ने हलाल खाने का हुक्म दिया है पाकिजा चीजों को हलाल किया है और हलाल खाने का हुक्म दिया है और आमाल की कबूलियत के लिए ये एक बहुत बड़ी शर्त है अगर इंसान हराम खाता हो तो उसकी इबादत तो उसकी नेकियाँ बर्बाद हो जाती हैं हती कि उसकी दुआ भी अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं होती मालिक का फरमान सुनिए या रसूल रसुल हुक्म दे रहा है अपने रसूलों को खुलू मिनत ए अम्बिया की पाकिजा जमात हलाल तय्यब पाकिजा चीज़ को खाओ और नेक आमाल करो मालिक अहल ईमान को हुक्म देता है, या हैदी ईमान के दावेदारों, अहल ईमान की जमात कुलू इन तय पाकिदा चीजों में से खाओ हलाल चीजों में से खाओ तयब चीजों में से खाओ जो हमने तुम्हें रिजक दी है जो चीज तैयब के ज़ुमरे में नहीं आती उसके खाने की इजाज़त तो अल्लाह ने नहीं दी ना अब वो किसी शक्ल में हो वो शराब की शक्ल में हो वो सिगरेट की शक्ल में हो वो तम्बाकू की शक्ल में हो वो पान की शक्ल में हो वो हुक्के की शक्ल में हो वो हराम है बाज़ लोग बहस करते हैं कि आप वैसे ही सख्ती करते हैं सिगरेट का नाम दिखाइए कहाँ है हुक्के का पान का नाम दिखाइए क़रन ने एक मोटा सा असूल बयान किया है पाकिजा चीज़ तैयब चीज़ वो हलाल है उसको खाओ और जो चीज़ तैयब नहीं है ख़बीज है तो ख़बीज चीज़ों को खाने की इजाज़त नहीं लिल्लाह। अल्लाह का शुक्र करो अल्लाह ने जो तुम्हें रिज़क दिया है उस पर अल्लाह का शिक्र करो इनकुन तुम ई अगर तुम इस बात के दावेदार हो कि हम खालस अल्लाह की इबादत करते हैं तो पाकिजा चीजों में से जो रिजक मिला है वो खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो सही मुस्लिम में एक शख्स का जिक्र जो बड़े दूर का सफर करके अल्लाह के घर में पहुंचता है हालत यह है कि उसके सर के बाल खाक आलूद है उसकी दाढ़ी खाक आलूद है कपड़े खाक आलूद है बड़ा लंबा सफर करके आया है और आकर वो आवाज लगाता है सवाल करता है या रब या रब या रब ये जुमले उसकी जुबान से अदा होते हैं लेकिन हालत क्या है उसका खाना हराम का उसका पहनना हराम का उसका लिबास हराम का तो जिसका खाना जिसका पहनना जिसका लिबास हराम का है उसकी दुआ कैसे कबूल होगी उसकी सारी मेहनत मरदूत बैतुल्ला में पहुंचने के लिए लंबा सफर भी बेकार गया उसकी लंबी लंबी दुआएं भी अल्लाह के यहां कबूलियत के मकाम को ना पहुंची उसकी इस नेकी के बर्बाद होने के पीछे राज क्या था हराम खाता था हराम पीता था हराम पहनता था हम तो बड़े शौक से कहते हैं ना जी वो माशा जब रिज़ाइन किया था तो वो हकूक के नाम पर चालीस हज़ार रियाल मिले थे जाते ही हमने फ़ौरन उसको फिक्स डिपॉजिट करवा दिए ला, ला खैर पेंशन मिली थी तो सारी की सारी बैंक में रख दी हमदुल्ला आ रहा है काम पिछले दिनों मुझे यूरोप से किसी सवाल करने वाले ने फोन किया और वो बेचारा अपनी मजबूरियों पे मजबूरियाँ सुना रहा जी वो अमेरिका में रहते हैं यूरोप में रहते हैं मकान नहीं है बड़े परेशान हैं किराए बहुत ज़्यादा हैं धक्के खा रहे हैं बड़ी ही मजबूरिये हैं बड़ी ही परेशानियाँ हैं दुख के अंदर वक़्त गुजर रहा है कोई ऐसी सूरत है कि हम बैंक से लोन ले कर मकान बना लें सूद पर पैसा ले कर मकान ले लें और यहाँ पर यह बात भी याद रखें कि आटे में नमक है जो जिनको ये खौफ हो और वो ये सवाल कर बैठे अक्सरियत को तो टेंशन ही नहीं ना सवाल करने की नौबत ही नहीं आती जहां थोड़ी सी हाथ तंग हुआ बैंक से कर्जा लिया सूद पे गाड़ी ले ली बैंक से कर्जा लिया मकान बना लिया बैंक से कर्जा लिया डेयरी फार्म बना लिया बैंक से कर्जा लिया अब वो सूद पे सूद खा रहा है उसकी नस्लें सूद देती भी गुजर जाती हैं तो उसने मुझे बड़ा घुमा फिरा के सवाल किया कि कोई ऐसी सूरत निकल सकती है कि बैंक से कर्जा लेके मैं मकान ले लूँ साहब मेहरबानी आपकी को ऐसा फतवा दे दें तो मैंने कहा भाई मैं फतवा देने की बजाय मैं आपसे पूछता हूँ कि आप शादी शुदा ना हो आप शादी शुदा ना हो आपके पास बीवी ना हो शादी का इंतजाम होना भी मुश्किल हो आप बड़े दूर कहीं रहते हो बड़ी परेशानी में हो और बड़ा बुरा हाल हो कोई सूरत निकलती है माँ से निका करने की कोई मौलवी फतवा दे दे कि मां से निकाह करने की कोई सूरत कोई परेशानी किसी ऐसी एमरजेंसी कंडीशन में इंसान मां से निकाह कर सकता हो कोई बनता है फतवा करंट लगाना तो नहीं, नहीं सब, ये, ये तो इंपॉसिबल है ये तो नहीं हो सकता मैंने कहा अल्लाह के वसल्लम की अहादीस के अंदर सूद का सबसे छोटा गुना मां के साथ बदकारी है सबसे छोटा गुना बड़ा गुना नहीं सबसे छोटा गुना मां से बदकारी है जब यह तमीज खत्म हो जाए कि हलाल पेट में गया है या हराम सूद है या लॉटरी बैंक से कर्जा लिया है या लोगों का कर्ज दबाया है झूठ बोल के कमाया है या किसी की चोरी की है डाका डाला है तो फिर याद कर लीजिए नेक आमाल बर्बाद हो जाते हैं उस इंसान के जिस इंसान का रिजक हराम हो खाना और पीना हराम हो इसी तरह कुछ गुना ऐसे हैं जो नेक आमाल की कबूलियत के दरमियान रुकावट बन जाते हैं जैसे मुस्द अहमद के अंदर यह रिवायत मौजूद है कि जो शख्स शराब पीता है चालीस दिन तक शराब पीने वाले की नमाज कबूल नहीं होती है। इसको तो शौक और फैशन के लिए पीते हैं बड़ी पार्टी में जाना है बड़े लोग हैं इनके सामने ना पिएंगे तो क्या कहेंगे बड़ा दकियानूस किस्म का इंसान है आजकल भी कोई इस बात को मानता है चालीस दिन तक उस बंदे की नमाज कबूल नहीं होती जो एक मरतबा शराब पी लेता है एक मरतबा शराब और जो मुस्तकिल शराबी है जो रोजाना का शराबी है उसकी कब कबूल होगी एक दफा पी तो चालीस दिन माइनस हो गए और ये तो पीता ही डेली है इसकी कोई कबूल होगी यह मामूली गुना नहीं है ऐसे गुनाहों अल्लाह के यहां तोबा कीजिए और एक दूसरी आयत में है कता रहमी करने वाला रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ने वाला कता रहम कता रहमी करने वाला इसके अमल भी कबूल नहीं होते में आता है ना सोमवार को अमल अल्लाह के दरबार में पेश किए जाते हैं इसीलिए रसूल वसल्लम ने फरमाया मेरा जी चाहता है कि मैं रोज़े की हालत में हूँ एक मुशरक उसके अवाल की तरफ नज़र नहीं डालता मालिक और एक दो मुसलमान दो मुसलमान मोमिन मवाहद भाई जो अपनी किसी दुनियावी वजू पर किसी बुनियाद पर ए जी मैं सलाम किया जवाब नहीं दीता मैं उसके बाद मुंह ही नहीं लगाया मैं इसके घर गया था मैंने बेल दी थी गाड़ी बाहर खड़ी थी चार पैसे जो आ गए इसकी जेब में ये बाहर ही नहीं निकला मैं तो इसे दाने लेकर खाता हूँ ये अपने घर आबाद रहे मैं अपने घर आबाद रहूँ बस हमारी लड़ाई है मैंने इनसे रिश्ता मांग लिया था जी अपनी बेटी के लिए बेटे के लिए इन्होंने नहीं दिया उसके बाद तो मेरा दिल ही नहीं करता है इनको मिलने के ये मुसलमान का तरीका नहीं है और ये अमल ये गुना छोटा गुना नहीं है इंसान की नेकिये कबूल नहीं होती उसके अमाल की तरफ देखा नहीं जाता जब तक दो नाराज भाई आप इसमें सुलह ना कर लें। एक तो है नाराजगी आपकी अल्लाह के लिए हो फिर तो मुबारक हो ऐसी नाराजगी पे अगर आप अल्लाह के लिए नाराज हैं और एक है कि आप अल्लाह के लिए नाराज नहीं दुनियावी कोई मामला कोई तिजारत का कोई दुकानदारी का कोई रिश्तेदारी का कोई अखलाक का कोई मुलाकात का इसमें नाराज हो गई और ऐसी लंबी नाराजगी चल रही है कि वो इधर से आ रहा हो तो उधर मुंह कर लेता है वो पहले बस में बैठ जाए तो ये वो बस ही छोड़ देता है दूसरी बस का इंतजार करता है इस तरह मुसलमान भाई से कदाता करने वाले के अमाल उसकी ने कबूल नहीं होती इसी तरह अल्लाह के लिए दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी ये भी छोटा अमल नहीं है ये नेकी बहुत बड़ी नेकी है कि इंसान किसी से मोहब्बत करे तो अल्लाह के लिए इंसान किसी से बाइकाट करे नफरत करे बुफ्ज रखे तो एक अल्लाह के लिए ये मोमिन की जिंदगी है उसकी सारी दोस्ती अल्लाह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों से दोस्ती और जो अल्लाह और उसके प्यारे हबीब से बुग्ज रखते हैं मोमिन उनके साथ बुग्ज रखता है और यहां पे जरूरी है अहले ईमान से मोहब्बत का बरमला इजहार हो और अहले शिर्क से अहले से अहले कुफर से अल्लाह और उसके प्यारे हबीब के दुश्मनों से बरमला बरात का ऐलान हो तो आपके घर पे अहले शिर्क में से रिश्ता मांगने आ जाए तो ये ना कहे मुझे लड़का पसंद नहीं आया इसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं है टरखाने की कोशिश ना करें पैगाम दें आप कब्रों पे सजदा रेज हो आपका बेटा बेनमाज है आपका बेटा बैंक का मुलाजिम है सूद खाता है मैं अल्लाह के लिए प्यार करता हूं और अल्लाह के लिए मेरी दुश्मन ये है मैं अपनी बेटी किसी मुशरिक को नहीं दे सकता किसी बिदाती को नहीं दे सकता किसी बेनमाज को नहीं दे सकता किसी हराम कमाई वाले को नहीं दे सकता भले वो मेरा सगा भतीजा क्यों ना हो यहां ये बात बिल्कुल गलत है कि आप सर नीचे करके कोई बहाना बना दें अगर आपके दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है बरमला इजहार कीजिए और अगर आप अल्लाह के लिए किसी से नफरत करते हैं तो उसके इजहार कीजिए हो सकता है आपका यह इजहार करना उस बंदे को सोचने पर मजबूर कर दे और अगर आप कहें कि बेटा कोई गल नहीं ग्यारहवीं दी है लाला कोठे थे सुट देंगे कबूतर तो खा लेंगे कोई बात नहीं इसका मतलब है आपको जो अल्लाह के लिए शिरक करने वालों से नफरत और बग्ज आपके दिल में है आप उसका इजहार नहीं कर रहे तो इस मसले के अंदर आप कमज़ोर हैं सैदन अब्दुल्ल इब्ने अब्बास रजा का कॉल सुनिए फरमाते हैं जो शख्स अल्लाह के लिए मोहब्बत और अल्लाह के लिए नफरत करता है उसकी नफरतें भी अल्लाह के लिए उसकी मोहब्बतें भी अल्लाह के लिए तो इस जरिए से वो अल्लाह की वलायत, अल्लाह की मोहब्बत अल्लाह की दोस्ती को पा लेता अल्लाह के लिए आला मिसाल अल्लाह मालिक के लिए आला मिसाल आपको समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। आप अपने किसी दोस्त के पास जाएं और कहें, फला आदमी से आपकी दुश्मनी है मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है उससे आपकी दुश्मनी है लेकिन चूंकि मैं आपका दोस्त हूं तो मैं ऐलान करता हूं जो आपका दुश्मन वो मेरा दुश्मन जो आपका दोस्त वो मेरा दोस्त क्या ख्याल है उस इंसान के दिल में आपका मकाम बुलंद नहीं हो जाएगा वो दोस्ती से बढ़ के भाईचारे पे नहीं आ जाएगा कि यार बड़ा बड़ा प्यारा दोस्त है हर उस बंदे से दोस्ती करता है जो मेरा दोस्त है। हर उस बंदे से दुश्मनी करता है जो मेरा दुश्मन है मालिक के लिए आला मिसाल जब आपकी मोहब्बत की, की बुनियाद अल्लाह मालिक की मोहब्बत होगी आपकी नफरत की बुनियाद अल्लाह के लिए नफरत होगी तो यह नेकी इतनी बड़ी नेकी है कि इंसान को जब यह नेकी की तोफीक मिल जाती है वह अल्लाह का वली बन जाता है वो अल्लाह का प्यारा बन जाता है और जब तक कोई बंदा इस मीर पर पूरा ना उतरे मुफसर कुरान उम्मत के बहुत बड़े आलिम सैदना अन्हुमा का कौल सुनिए जब तक इंसान यह काम ना करे ऐसा बंदा ईमान का मजा चख ही नहीं सकता जो अल्लाह के लिए मोहब्बत नहीं कर रहा अल्लाह के लिए दुश्मनी नहीं कर रहा उसकी मोहब्बत और दुश्मनी की बुनियाद सैयद खान राजपूत पंजाबी पठान इंडियन पाकिस्तानी कौमियत वतनीयत नहीं काला गोरा होना नहीं उसकी मोहब्बत दोस्ती नफरत लड़ाई एक ही बुनियाद है इसका अल्लाह से क्या ताल्लुक है जो अल्लाह का प्यारा वो मेरा प्यारा जो अल्लाह का दुश्मन वो मेरा भी दुश्मन जो दोस्ती और दुश्मनी के इस मफहूम को ना समझे उसने अपने ईमान का जायका नहीं चखा अगर चे उसकी नमाजें और उसके रोजे कितने ही ज्यादा क्यों ना हो ज्यादा नमाजें पढ़ने वाला ज्यादा रोजे रखने वाला इबादत करने वाला नेक करने वाला अगर वो अल्लाह के लिए दोस्ती दोस्ती और अल्लाह के लिए दुश्मनी के मफहम को नहीं जानता तो उसकी ये नेक उसको ईमान का जायका नहीं चखा सकती इब्ने मसूद फरमाते हैं अहले मासी से बुग्ज रखकर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करो मुशरिकों से दिल के अंदर कुफर से दिल के अंदर अहले बिदअत उसके साथ दिल के अंदर बुग्ज हो जब आपके दिल में अहले कुफर का बुग्ज होगा तो वहां पे अल्लाह का कुर्ब आएगा अल्लाह की मोहब्बत आएगी और यहां पे ये नुकता कभी ना भूलिए अहले शिर से बरात अहले कुफर से बरात अहले बिच से बरात इसका मायना ये नहीं है कि जहां आपको कोई मुशरक मिले तो आप शुरू हो जाए काफर काफर शिया काफर 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 फलाना काफर 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 फलाना काफर, काफर, काफर इसका मतलब ये नहीं है इसका मायना ये नहीं है आपको कोई यहूदी मिले आपको कोई ईसाई मिले आपको कोई हिंदू मिले आपको बुद्ध मत मिले कोई काफिर मिले या इस्लाम के नाम पे पलने वाले अहले शिर मिले आपके चेहरे पे मुस्कुराहट हो आपका अखलाक इंतहा आला हो आपका अंदाज बहुत प्यारा हो आप उसको अपने घर बुलाएं खाना खिलाएं दूध पिलाए खिदमत करें और इस सारी मेहनत के पीछे कहानी ये हो किसी तरह ये कलमा पढ़ ले किसी तरह ये मुसलमान हो जाए ये नहीं है कि जहां वो मिले आप उसको मोटा मार के जाए उसको गाली देकर जाए उसको पत्थर मार के जाए उसके साथ बदतमीजी करें उसके साथ जुबान दराजी करें यह इस्लाम नहीं है इस्लाम का यह चेहरा जिन्होंने बनाया है उन्होंने इस्लाम को बदनाम किया है फिर आप कहेंगे उनसे उन अच्छा अखलाक अच्छा, अच्छा तरीका अच्छा किरदार रखना है तो फिर नफरत का मायना किया बुग्स का मायना किया बुग्ज की जगह ये है और वह आपके अमाल से कैसे साबित होगी कि अहले शिर्क को अपनी बेटी का निकाह नहीं दिया जा सकता अहले शिर्क के साथ दिल की मोहब्बत नहीं हो सकती अहले शिरक को अपनी मस्जिदों में इमाम नहीं रखा जा सकता उनके पीछे जुमे की नमाज अदा नहीं हो सकती उनके पीछे ईद की नमाज अदा नहीं हो सकती अहले में से कोई मर जाए उसका जनाजा नहीं पढ़ा जा सकता किसी की बुनियाद उसके साथ इकट्ठा नहीं हुआ जा सकता अगर वो अपने शिरक पे बरकरार और बाकी है और अल ऐलान उसको बयान करता है उसके साथ दोस्ती का हाथ इस तरह नहीं बढ़ाया जा सकता कि दिल की मोहब्बतें हो जाएं। में आपने किरदार अच्छा अच्छा इसलिए अपनाना है क्या घर बुला के खाने नहीं खिलाए उनको दूध नहीं पिलाया उनकी खिदमतें नहीं की किसी तरह ये मुसलमान हो जाए तो गुफ्स की जगह आपका दिल है दिल की मोहब्बत ना हो उनके साथ अच्छा रवैया पेश करे कि किसी तरह ये हमारे किरदार को अखलाक को मामला को खुश असलूबी को देकर यह भी कलमा पढ़ ले और जहन्नम की आग से बच जाए इबन मसूद रजी अल्लाह रज़ा का कॉल फिर सुनिए अहल मासी से भुग रख कर तुम अल्लाह का कुर्ब हासिल करो और इनकार करने वाले चेहरों के साथ इनसे मिलो अल्लाह की रवा उनकी नाराजगी में तलाश करो और उनसे दूर होकर अल्लाह के करीब हो जाओ उनसे मोहब्बतें उनसे दोस्तियां उनसे प्यार उनके प्रोग्रामों में शिरकत ना करो उनसे दूर रहो ये नहीं कि अब पच्चीस दिसंबर आया है तो मौलवी साहब केक काटने के लिए साहिवाल के चर्च में चले जाएं या खाने वाल के चर्च में चले जाएं और वहां खड़े होकर मौलवी भी केक काटे और ईसाई पादरी को भी सलीब लटका के अपने साथ खड़ा कर ले या मिनहाजुल कुरान लाहौर के अंदर कादरी साहब मुल्तान के पादरियों को बुला के उसके जनघटने में खड़ा होके केक काट ले ये इस्लाम पूरी दुनिया को यह मैसेज दे रही है कि मुस्लिम मसीही बरादरी एक हैं और वो अमन पर बिलीव करते हैं। को अटेंड किया इसका ये निकला आपने ईसा अल्लाह तो हाँ के, अल्ला के रसूल नहीं है ईसा अल्लाह का बेटा है आप भी अगर खाने वाल के चर्च में खड़े हो गए के केक काट, के 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 काट रहे हो तो याद करो आपकी बतकीदगी के लिए यही काफी है कि आपने इसको तस्लीम कर लिया कि यह वाकई अल्लाह का बेटा है ईमान कहां पर ले रहा इबन का कौल रोशनी का मीनारा है अहल ईमान और अहले तो के लिए नेक अमाल की हिफाजत के लिए जरूरी है कि इंसान लोगों के हकूक अच्छे तरीके से अदा करे उनके साथ अच्छे अखलाक से पेश आए अच्छे किरदार से पेश आए चेहरे पर मुस्कुराहट रखे किसी पर जुलम ना करे किसी को ज्यादाती का निशाना ना बनाए मगर न ये सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे इस एक गुना की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए और सही मुस्लिम के अंदर प्यारे हबीब आ सलातम की यह हदीज़ मौजूद है आपने अपने अब से पूछा मुफलिस कौन है साहब ने कहा या रसूल वसल्लम मुफलिस मुफलिस तो वो होता है जिसकी जेब खाली हो जिसके बाद दिर और दिनार ना हो फरमाया नहीं ये मुफलिस नहीं कहा फिर और मुफलिस कौन है कहा मुफलिस तो वो शख्स है जो क्यामत के दिन आएगा हदीस को जरा गौर से सुनिएगा क्यामत के दिन आएगा नेकियों के अंबार होंगे जहां इसके पास नेक होंगी वहां इसके साथ कुछ लोग इसका इसके सामने मालिक के दरबार में सवाली भी बनकर आएंगे कोई कहेगा इसने मुझे मारा था कोई कहेगा इसने मुझे गाली दी थी इसने मेरा हक दबाया था इसने मेरी गीबत की थी इसने मेरी चुगली की थी बदला दे और अगर मालिक आदल करे तो थर थर कांपे ऊंची शानों वाले वो रहमत करे तो बक्से जाए मुझे से मुंह का हमारी स्याही की माफी की एक ही सूरत है कि अल्लाह अपनी रहमत वाला माजरा करे अगर वहां पे अदल हुआ तो बर्बाद हो गए फिर कौन बचेगा मालिक फरमाएगा दे बदला वो कहेगा अल्लाह कहां से दू अगर मैंने किसी के पैसे दबाए तो पैसे तो अब नहीं हैं वो तो दुनिया में रह गए बहनों का हक नहीं दिया ज़मीन दबा गया कि हमारे दादा ने हमारी फूफी को नहीं दिया था हमारे बाप ने हमारी बहनों को नहीं दिया था मैं अपनी बेटियों को क्यों दूँ हमारा तो ख़ानदान जमींदार खानदान है और ज़मींदार जमीनों से हिस्सा नहीं दिया करते क्यों ये हमारी ज़मीन है अगर दे देंगे तो उनकी बन जाएगी शैतान ने कैसे कैसे जुमले सिखा दिए अरे भाई तू दस मुरब्बे का भी मालिक है तेरे दफन होने के लिए तो सिर्फ सात आठ फुट जमीन मिलनी है वही काफी रहेगी ये मुरब्बे तो फिर यही रह जाएंगे अपने बेटों को देने के लिए अपनी बेटियों को महरूम करके अपनी कबर में आग के अंगारे क्यों बिछाते हो कहा से दू जो हक छीना था वो तो रह गया दुनिया में मालिक फरमाएगा ठीक है किसी का हक मारा उसको नकिए दे दे किसी को नमाज किसी को रोज़ा किसी को हज किसी को जकवात किसी को जिहाद किसी को सदका बट गई ये तो उसका हाल है जिसके पास नये हैं और कुछ बदनसीब ऐसे भी होंगे नकिए ख़त्म तक़सीम हो गई सवाली अभी भी खड़े हैं वो कहेंगे अल्लाह नकिए बट गई हमें भी बदला चाहिए मालिक फरमाएगा कहेगा लाइन को कहां से तू ने सारी तकसीम हो गई कुछ रहा ही नहीं मालिक फरमाएगा गुनाह इन्होंने किए वो गुनाह तेरे सर पे लाद दिए जाएंगे ये गुनाहों से साफ होकर गुनागार जन्नत में ये नेकी करने वाला नेक बंटवाकर मजलूमों का गुनाह उठाकर जहन्नम में पहुंच जाएगा इबाद की अदायगी ना करना एक ऐसा गुना है कि किए बर्बाद हो जाती है इस गुना की बिना पर सही बुखारी में, इमाम बुखारी सैद नाबुरा रजा से रिवायत करते हैं वो कहते हैं मैंने ल्ला ल्ला को फरमाते हुए सुना मन कान जिसने किसी भाई पर कोई जुल्म किया है इस दुनिया की जिंदगी में किसी का हक मारा किसी को थप्पड़ मारा किसी को गाली दी किसी का माल चुराया किसी की की, किसी की चोरी की कोई किसी की किसी के साथ ज्यादती की है वो उस दिन के आने से पहले पहले अपने भाई से माफी मांग के अपना मामला साफ कर ले जिस दिन उसके पास ना दिरहम होगा ना दिनार होगा आज तो बुजतली और बहादुरी के उसकी तारीफ को हमने बदल दिया हमारे यहाँ बहादुर कौन है जो लोगों का ज्यादा माल दबा ले कमजोर बंदा किसी से लड़ पड़े ना और फिर उसकी लड़ाई किसी बहादुर से हो तो दूसरा कमजोर कहता हंसवाद है। ना और लड़का बाबे क्यों? ये बड़ा बहादुर है ये लोगों का प्लाट दबा लेता है आपने देखा नहीं किसी के प्लाट पे कोई दूसरा काबिद हो जाए अब उसे पता है अदालत के अंदर अगर जाऊंगा तो इन मेरे मरने के बाद ही फैसला होगा उससे पहला तो चांस नहीं है कि उससे पहले भी फैसला हो जाए वो फिर मुक मुका करने के लिए डॉन के पास जाते हैं किसी बड़े के पास भाई दस लाख का प्लाट है किसी ने कब्जा किया हुआ है मुझे पता है तू बड़ा आदमी है छीनवा सकता है तू पाँच लाख में ले ले तो वो करता कोई बात नहीं पांच दम एम एन ए मेरा भाई लगा नहीं छुड़ा लेंगे ले तो आज बहादुर वो है जो लोगों का हक मार ले, जो दबा ले। ऐसे को इंसान कर्ज देते हुए भी डरता है कि यार ये मांग रहा है इसको दे दिया तो लूंगा कैसे इसके साथ मांगना भी मुश्किल बात है और बुजदिल कौन होता है कमजोर माड़ा बंदा जो किसी को दस रुपए दे के वापिस ना ले सके लेकिन सुनिए प्यारे नबी अलम फरमा रहे हैं उस दिन के आने से पहले जिस दिन ना दिरहम हाथ में ना दिनार हाथ में अपने भाइयों से मामला साफ कर लो क्योंकि वहां पर सारे एक सफ में बराबर खड़े होंगे और फिर वहां पे शहनशाह है आजम अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत होगी वहां ना किसी एम एन ए साहब का काम चलना है ना किसी बादशाह सलामत का काम चलना है वहां तो मेरे रब के फैसले हैं। इस सोच को दिल में जगा दीजिए बिस्तर पे लेटते हुए सोचा करें कहीं आज की रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात ना हो कितने लोगों का कर्जा दबाया हुआ है कितने फकीरों की जमीन पर कब्जा किया हुआ है और इससे मिलता क्या है आपने देखा नहीं किसान जमीनों के दरमियान एक बन्ना बनाते हैं थोड़ी सी मट्टी की ढेरी दूसरा पानी लगाने आता है अपने खेत के अंदर कसी चलाता है वो कसी मारके दो इंच इधर कर लेता है रात को बड़ा जब मैं दो इंच काबू कर लिया पता भी नहीं लगा क्या मिला तुझे इस दो इंच की जमीन से तुझे क्या मिल जाएगा करोड़पति हो जाएगा अगर करोड़पति भी हो जाए यहां से सोने की कान भी निकल आए तो साठ साल जिंदगी है ना सत्तर साल अस्सी साल बस तो इस अस्सी साल के लिए उस जिंदगी को हलाक करने पे तुला है जिसका पहला दिन पचास हजार साल लंबा कभी अपने मोबाइल में कैलकुलेट करके तो देखें कैलकुलेटर ओपन करें पचास हजार को तकसीम करें अस्सी साल पे चंद सेकंड नहीं बनेंगे इन चंद सेकंडों के लिए अगर सारी जिंदगी वो बर्बाद हो गई जहां मौत को मौत आएगी जन्नति हमेशा जन्नत में जहनवी हमेशा जहनम में तो क्या किया हमें? क्या कमाल किया प्यारे हबीब आए ही सलाम फरमाते हैं उस दिन से पहले किसी के साथ कोई जुलम ज्यादा की है तो सफाइया कर लो माफिया मांग लो उनके हकूक अदा कर दो बहनों का माल दबाया है तो जाओ उन्हें देकर आओ भाइयों का माल दबाया है तो जाओ देकर आओ यतीम भतीजों का माल भाई के मरने पे किसी ने खा लिया तो वापस करो किसी को गाली दी गीबत की चोरी की माफी मांगो उसके लिए रहमत और मफरत की दुआएं करो क्यामत के दिन अगर ये माजरा पेश हो गया ये फाइल खुल गई और वहां तो सारी फाइलें खुलनी है तो वहां पे कोई इंसान कैसे बचेगा मजलूम की आह से डरो और मजलूम के हक को जितनी जल्दी हो वापिस कर दो मौत का कोई पता नहीं कब उठा ले ये तो दुनिया का माजरा है दीन का माजरा भी ले लो आज कितने ही दीनदार दीन के दावेदार वो दूसरे मुसलमान भाई की जान के दुश्मन हैं क्यों ये अल्लाह की इबादत की बात करता है सान अला वही रहमत को पाकिस्तान में बम्बों का निशाना बना के उड़ा दिया गया शहीद कर दिया गया क्यों एहसान वही रही का क्या कसूर था शेख इब्राहिम सलफी राहुल्लाह को गोलियों से छली कर दिया गया फजर की नमाज के बाद क्या कसूर था ये चंद माह पहले गुजरात के अंदर एक आलिन साहब को जुमा पढ़ाने जा रहे थे पीछे से आए और फायर मार के शहीद कर दिया क्या कसूर था सिर्फ एक कसूर के इन्होंने शिर के रास्ते को छोड़ के अल्लाह की इबादत की राह को चुन लिया अब शिर करने वाले पीरों की खबरों के तवाफ करने वाले गैरुल्लाह को दाता और मुश्किल कुशा समझने वाले उनको यही तकलीफ पड़ी है कि हम खबर पे सजदा करते हैं यह क्यों नहीं करता हम यहां अली मदद कहते हैं यह क्यों नहीं कहता हम ग्यारहवीं का खतम अपने घर से दिलवाते हैं ये रस्म बद शिरक वाला माजरा गैर गैरुल्ला की नजर करते हैं ये क्यों नहीं कर पा दुनिया के अंदर भी जुलम है दीन के नाम पर भी जुलम है अरे आपको यही बुक्स है कि ये अल्लाह की इबादत कर दावेदार है कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं उसकी इबादत में किसी को शरीक नहीं करते क्यामत के दिन तुम उस रब के सामने खड़े होकर अहले तोहीद के खून से अपने हाथों को रंगीर करने वालों और वो मुफ्ती जो इसका फतवा देते हैं रब को क्या जवाब दोगे क्यों मारा इसको सिर्फ एक कसूर था कि ये यह ला इला लाला पढ़ता था मानता था उसकी दावत दिया करता था खैर की इबादत से मुंह मोड़ने पर अहले सिर की तरफ से फतवों का कि मशीन गन चलती है और अहले ईमान का खून ये जमीन उससे सराब हो जाती है अल्लाह की कसम तुम जो चाहे कर लो जितने खून बहाने हैं बहा लो जिस दिल में तो का का पैदा हो जाता है पुख्ता हो जाता है उसकी गर्दन कट सकती है मुर्दे के सामने झुक नहीं सकती एक एहसान इलाही रही नहीं एक इब्राहिम सल्फी नहीं हजारों को कत्ल कर लो तुम जितना खून बहा सकते हो बहा लो जिस सीने के अंदर इलाहा इल्लल्लाह की गैरत पुख्ता हो जाती है जिस दिल पे रब की मोहब्बत का रंग चढ़ जाता है उसके लिए गर्दन कटाना आसान है दरगाहों पर झुकाना आसान नहीं है हमें तो ये हमारे प्यारे हबीब मोहम्मद करीम वसल्लम ने दरस दिया अपने सहाबी को कहा मुआज़ अल्लाह के साथ शिरक ना करना ला तो शिरक बिल्ला इन और तुझे टुकड़े कर दे कत्ल कर दे या जला के राख कर दे दोनों सूरतें बर्दाश्त कर लेना लेकिन कभी अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना टहराना अमल की कबूलियत के लिए लाजिम है कि इंसान अदब को इख्तार बेअब ना हो और अदब की दो किस्में हैं अदब फिल अमल, अमल में अदब होना ये कबूलियत की शर्त है जैसे कहा जाता है कि अदब कबूलियत अमल की इलामत है इसी तरह अमल के बाद अदब का रवैया इख्तियार करे और जो शख्स अदब ना कर सके उसका अमल बर्बाद हो जाता है का फरमान सुनिए एहल ईमान लातर अपनी आवाजों को बुलंद ना करो मोहम्मद वसल्लम की आवाज़ पे, ना उनको ऐसे पुकारो जैसे तुम आप इसमें एक दूसरे को नाम लेके पुकारते हो अगर तुम ये काम करोगे तुम अपनी आवाज को ऊंचा करोगे नबी की आवाज से उसको ऐसे पुकारोगे जैसे आप इसमें एक दूसरे को पुकारते हो मालिक वरबाता है तुम्हारे सारे अमाल बर्बाद कर दिए जाएंगे तुम्हें उसका शूर भी नहीं होगा अदब की कुछ अरवा हैं अल्लाह के साथ अदब रसूल सल्लासम के साथ अदब किताब सुन्नत के साथ अदब साहबा और सलफ साल के साथ अदब आम अह ई ईमान के साथ अदब और अल्लाह के साथ अदब यह है कि इंसान अल्लाह के साथ अपने मामले को दुरुस्त रखे अपने दिल को अल्लाह की तरफ झुकाए इसमें गैर की मोहब्बत ऐसी पैदा ना हो जो अल्लाह की मोहब्बत पे गालिब आ जाए गैर अल्लाह की तरफ अल्तफात ना करे अपने दिल में आने वाले इरादों को जो इरादे अल्लाह की नाराजगी का सबब है दिल को उन गंदे इरादों से भी बचाए इंसान के दिल में एक सोच आई मैं फला गुनाह करूं और उस गुना की लज्जत दिल में आए गुनागार तो तब होगा जब ये वो गुनाह कर बैठेगा दिल में अगर कोई सोच आ जाए उस पर गुनाह तो नहीं लेकिन इंसान सोचे कि इस ख्याल के आने से ये ख्याल अल्लाह की नाराजगी वाला है तो फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे मालिक की पनाह में आए अल्लाह से माफी का सवाल करे रजीम ये अल्फाज कहे ला वला इल्ला इन अल्फाज को दोहराए अल्लाह से माफी मांगे दिल में ऐसे इरादे भी ना आने दे जो मालिक की नाराजगी का सबब हो अबु वली कहते हैं बंदा अल्लाह की अपात के जरिए अल्लाह की जन्नत तक पहुंच जाता है और इसी तरह अदब को तर्क करने की वजह से बंदा धटकार दिया जाता है आप किसी दस्तर खान पर खाना खा रहे अगर दस्तर खान पर बैठने वाला बेअदबी करता है तो दस्तर खान से उठा दिया जाता है अगर घर के अंदर रहने वाला खादिम बेअदबी करता है उसे घर के दरवाजे से निकाल दिया जाता है उसको भेड़ बकरी चराने पे लगा दिया जाता है तो अदब इंसान को इज्जत दिलवाता है उसके मकाम को बुलंद करता है और बेअदबी इंसान को दुनिया के अंदर भी दलील करती है और उसके आमाल की बर्बादियों का सब भी बनती है अब्दुल्ला मुबारक राहुलते हैं जो शख्स आदाब में सुस्ती करे वो सुन्नतों से महरूम हो जाता है अब मुबारक का ये कॉल राहुल्ला बड़ा अवीम कॉल है गौर कीजिए जो अदब के मामले में आदाब के मामले में सुस्ती करता है उसका रिजल्ट क्या निकलता है फिर उसके दिल से सुन्नतों की अहमियत खत्म हो जाती है और आज अक्सरियत को देखोगे उनके दिल में सुन्नत की अहमियत वो किसी काम को डिग्रेड करना हो तो क्या सुनत तो है सुनो कर लो ठीक है ना सुनत है सुन्नत में क्या रहा है थी थी? थोड़ा 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 फर्ज वाजिब सुन्नत है बस जब इंसान अल्लाह के साथ रसूलुल्लाह के साथ बेअदबी वाले मामले पे चलता है तो उसके दिल से सुन्नत की अहमियत वो सुन्नत से महरूम हो जाता है और जो सुन्नतों में सुस्ती करे या गफलत बरते तो बतौर सजा फिर अगला स्टेप क्या होता है वो फराज से भी महरूम हो जाता है जो आज सुनत छोड़ता हुआ नजर आएगा कल को फर्ज छोड़ता हुआ नजर आएगा जो बेअदब होता है उससे सुन्नत की तौफीक सुन्नत पे अमल की तौफीक छीन ली जाती है जो सुन्नतों में गफलत में पड़ जाए फिर करीब है कि उसे फर्जों से महरूम कर दिया जाए और जो फराइज में गफलत करने लग जाए कभी पढ़ ली कभी ना पढ़ी फजर पढ़ ली तो जोर छोड़ दी जोर पढ़ ली तो असर छोड़ दी असर पढ़ ली तो मगरिब छोड़ दी जो फिर फराइज के अंदर गफलत का इरतकब करता है तो उसकी सजा यह है कि उसे मारिफत से महरूम कर दिया जाता है अबू नाज कहते हैं अदब के मामले में लोगों के दो तबकात हैं अहले दुनिया का अदब क्या है कि वह अपनी जुबान से जब कलाम करेंगे फसाहत और बलागत के साथ हिफ आलूम अरबों के अशार बादशाहों के जगरातों का हाल अहवाल उनकी सारी तोज्जा इस दुनिया की तरफ लगी होगी और जो दीनदार हैं उनका अदब अपने नफ्स की रियावत आवा की तहदीब अल्लाह की हदूद की हिफाजत शहबाद को तरक् करना यह अहले दीन का अमल है वो शहवतों से बचते हैं अल्लाह की हदूद को पामाल नहीं करते बल्कि उनकी हर वक्त कोशिश यह होती है हमारा कोई अमल ऐसा सरजद ना हो जाए जिससे अल्लाह मालिक नाराज हो जाए मुबारक रहिमाहुल्लाह फरमाते हैं अदब यह है कि नफ्स और इसके ओछेपन को जान ले और इनको तरक कर दे दिल इंसानी नफ्स इंसानी ख्वाहिशात वो कहां कहां से वार करके इंसान के ऊपर शैतान का गलबा करवाती है इसको पहचान ले और फिर उन सारे रास्तों को बंद कर दे जहां से इंसान सुस्ती की तरफ और बेअदबी की तरफ जाता हो अमामा इब कई माह फरमाते हैं अदब की हकीकत यह है कि अच्छे अखलाक को अपनाया जाए इसी वजह से अम्बिया कर अदब के अंदर सबसे कामिल तरीन इंसान थे सैदना इब्राहिम आर ही सलाम के अदब कुरान के अल्फाज में सुनिए वह इधा मरीज तूफा हुआ यशवीन जब मैं बीमार हो जाता हूँ तो अल्लाह मुझे शिफा देता है जब मैं क्या हो जाता हूँ, बीमार हो जाता हूँ, तो बीमारी की नस्बत इब्राहिम ने किसकी तरफ की अपनी तरफ अल्लाह की तरफ नहीं की अपनी तरफ कहा कि जब मैं बीमार हो जाऊं तो अल्लाह मुझे शिफा देता है सलाम ने इस बीमारी अल्लाह की अल्ला की, तरफ नहीं बल्कि रास्ता अपना की की। सलातुसम के बारे में कुरानी सुनिए तो को खराब करते हुए क्या कहते मैंने चाहिए मैं इसमें ऐप पैदा कर दू हालांकि वो जो कुछ कर रहे थे किसके हुक्म से अल्लाह की तरफ से अल्लाह के हुक्म से कर रहे थे लेकिन उस ऐब की नस्बत अपनी तरफ की मूसा अलैहि सलातो व सलाम का हाल सुनिए मालिक का फरमान कुरान हकीम की आयत हमें उस मंदिर को हमारे सामने रखती है क्या कहते हैं मूसा अलैहि सलातो व सलाम रब्बी इन्नी लिमा इलिया मिन खैर फकीर ऐ मेरे रब जो खैर भी तू मेरी तरफ उतारे मैं उसका मोहताज हूं हकीकत में मोहताज किस बात के थे भूख लगी हुई थी भूख लगी हुई थी परेशान हाल थे लेकिन अल्लाह से डायरेक्ट ये नहीं कि अल्लाह रोटी खिला दे अदब वाला मामला किया कि अल्लाह जो खैर भी तू मेरी तरफ उतारे और मूसा अलैहि सलाम ने तो हालत उनकी सिर्फ रोटी के लिए थी कुर्बान जाए वो मालिक वो सुनने वाला समी और बसीर जिस पे आज का मुशरिक इल्जाम लगाता है कि अल्लाह सुनता ही नहीं है अल्लाह ने रोटी भी दे दी वोटी भी दे दी बंदोबस्त खाने का भी हो गया और बेगम का भी हो गया उस मालिक को पुकार के तो देखो उसके दर का सवाल ही कभी खाली नहीं रहता पहले ईमान जिनका जिन्हों का कॉल कुरान हकीम के अल्फाज में सुनिए अशर क्या जमीन वालों के साथ किसी शर का इरादा किया गया या इनके रब ने इन्हें हिदायत देने का फैसला किया इरादा किया इसमें भी हिदायत के बरअक्स शर की निसबत क्या दुआ थी ए किया हमने दोनों, ने। हम दोनों ने अपनी जानों पर जुल्म किया ये नहीं कहा कि अल्लाह तूने हमारी तकदीर में लिखा हुआ था हमारा क्या कसूर है जैसे अक्सर आज अदब से दूर रब की रहमतों से शरीय के इल्म से दूर। और जन्नत में जाने वालों का भी फैसला हो गया जहन्नम में जाने वालों का भी फैसला हो गया फिर क्या फ़ायदा नमाज पढ़ने का जन्नत में जाना हुआ जन्म मिल जाएंगे जहन्नम में जाना जहन मिल जाएंगे कितने जाना क्या हो रहा है ठीक है एक ग्रोह ने जन्नत में जाना है एक जाना लिखा गया तकदीर लिखी गई खलौस भाई तकदीर लिखी गई आज आपने रात भरोस खाना है तकदीर लिखी गई सारा दिन घर में कुंडी मार के बैठे रहो ना दुकान पर जाओ ना दुकान खोलो घर में बैठे रहो बरोस्त किस्मत में लिखा है आज बरोस्त खाना है वो घर में आपके सामने बूना बनाया तैयार हो होके रेडी होके छत फट के नीचे आ जाएगा दिमाग खराब मोरी साहब दुकान पे नहीं जाऊंगा दुकान नहीं खोलूंगा कारोबार नहीं करूंगा कोई चीजें नहीं बेचे तो कैसे खाऊंगा ये बरोस्त नहीं लिखा हुआ तूने खाना है सिर्फ दीन की तरफ जब आते हो तो शैतान के इन जुमलों पे चलते हो तो आज हमारे ही सलात कहते हैं हम दोनों ने जुलम किया अपनी जानों पर तो उस गलती की निसबत अपनी तरफ की अल्लाह की तरफ यह नहीं कहा कि अल्लाह तूने तकदीर बनाई थी जैसे इबलीस ने कहा आदम बा अदब। इबलीस बेअब और गुस्सा क्या कहता है कहते हैं मुझे गुमराह किया आदम कहते हैं अपनी जान पे हम दोनों ने अपनी जान पे जुल्म किया एक बा अदब रहे कामयाब हो गए एक बेअदब हो गए शैतान लईन करार पाया अयूब आल सलात का अदब से भरा हुआ कॉल सुनिए फरमाते दुआ करते हैं तकलीफ ने छू लिया।, लिया, लिया और तू सब रहम करने वालों से बढ़कर मेहरबान है ये नहीं कहला तू ने बीमार किया मुझे बीमारी तेरे तरफ से आई है कहा नहीं अल्लाह में बीमार हो गया तकलीफ ने मुझे छू लिया पकड़ लिया और तू बड़ा रहम करने वाला है यह भी नहीं का शिफा दे दे कितने अजीम आदम सिखाए हैं अयुब अलैहिस्सलाम ने अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को मालिक का अदब कैसे सिखाया आपने हुक्म दिया अपना सतर ढाप के रखो अपना सतर ढाप के रखो पूछा गया या रसूल अलैहि वसल्लम अगर हम अकेले हो फिर लोग हैं तो हम अपना सतर छुपा ले अगर लोग ना हो कमरे में अकेले हो फिर भी सतर ढांप के रखे फरमाया अगर कोई नहीं हो तो अल्लाह इस बात का ज्यादा हकदार है कि अल्लाह से वाला मामला करो, वहां भी अपना सतर छुपा के रखो पूरा का पूरा दीन इस्लाम अदब पर मुस्तमिल है नमाज में आप खड़े होते हो सर आपका हुआ होता है नमाज में हालत ख्याम में सर का झुकाना अदब है हाथों को सीने पर बांधना अदब है कुरान को मोहब्बत और नरमी से पढ़ना अदब है इसी तरह सतर ढांपना जुबान की हिफाजत करना यह अदब के अंदर शामिल है कि मेरी जुबान से कोई ऐसा जुमला ना निकले जिससे अल्लाह हो जाए लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आना रुकू और सजदे में कुरान की तलावत ना करना किबले की तरफ ना मुंह करना ना पीठ करना पिशा पखाना करते हुए इसी तरह थूकते हुए किबले की तरफ मुंह ना करना नमाज में सुकून इख्तियार करना और बात अल्लाह का अदब करना ये तमाम चीज़ें दीन इस्लाम ने सिखाई हैं और ये सब अदब पर मुश्तमिल हैं अदब की तारीफ साहिब मना ने अदब की तारीफ यूँ की है कि अदब ये है सरकशी के नुकसान की मारिफत के साथ गुल्फ और जफा की दरमिया हद की हिफाजत की जाए अलामा अब कैम राहुल्ला फरमाते हैं कि अदब की यह बेहतरीन तारीफ है ये तारीफ अदब की बेहतरीन तारीफ है और यह भी अल्लाह के साथ अदब में से है कि इंसान अल्लाह से इस हद तक ना डरे कि उसकी रहमत से ही मायूस हो जाए इतना ना डरे कि उसकी रहमत वाले माजरे को भूल जाए और इतना अल्लाह से बेखौफ ना हो कि गुनाहों पर गुनाहों पर इतराता फिरे और गुनाहों पर अकड़ाता फिरे और गुनाहों पर खुशी मनाए कि देखो मैंने तो ये कर लिया मैंने ये कर लिया और दोस्तों के अंदर बैठ के अपने गुनाहों के चर्चे करे ना तो अल्लाह से इतना डरे कि ना उम्मीद मायूस हो जाए रहमत से और ना इतना निडर हो कि अल्लाह की पकड़ से और उसके माजरे को अपने दिल से निकाल दे ये भी अल्लाह के साथ अदब है कि उसके नाम की इज्जत करे वो तहरीर में हो या अल्फाज में हो आप इसी सड़क पे से गुजर रहे गली में से गुजर रहे आपके सामने जमीन पे पड़ा हुआ कोई अखबार कोई कागज मिल गया आपको पता है कि इस पे अल्लाह का नाम लिखा होगा उसको उठा लीजिए उसको बुलंद जगह पे रखिए अल्लाह के नाम की इज्जत करिए अल्लाह के नाम को तोहिन से बचाइए फिर देखिए आपके दिल में रब की मोहब्बत का समंदर कैसे जोश मारेगा अखबार में अक्सर कुछ भी ना हो तो अब्दुल्ला के नाम की खबर तो होगी अल्लाह का नाम तो आया कोई अखबार जमीन पे पड़ा हो उसको उठाकर ऊपर रखे ऊंची जगह पे रखे ताकि उसकी बेअदबी ना हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अदब यह है कि आपकी जिंदगी और आपकी वफात के बाद आपकी जिंदगी में भी और वफात के बाद भी आपकी तजीम करे गुस्ताखी वाला पहलू का तस्वर भी दिल में ना लाए आपका असल अदब तो यह है कि इंसान आपके हुक्म के सामने सर झुका दे असल अदब क्या है ये नहीं अदब के आप अंगूठे चूमे और जब बात मानने की जी थी, हदीस तो ठीक है पर दुआ करो दुआ जिसने नबी की हदीस ना माननी हो ना वसल्लम फिर क्या जी जी मौसम पता हदीस है अल्लाह के नबीर ने फरमाया दाढ़ी रखो माफ कर दो दाढ़ियों को लटकाओ दाड़ियों को छोड़ दो इसको इसके हाल पर रहने दो औ का मकान मुख्तलिफ अल्फाज हदीस में आए हैं बह बढ़ाओ ज्यादा करो जी जी मैंने पढ़ा हदीस से मुझे बस दुआ करो दुआ करो दुआ करो दुआ कर। दुआवा बढ़िया ने पुतर ली का अगर दिल में अदब मुस्तफा हो तो फिर ये नहीं होता कि मैं सुनू। और फिर मैं पतली गली से निकलने की कोशिश करूँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जिसको रसूल का अदब का खजाना मिल जाता है वो तो इंतजार में रहता है प्यारे हबीब क्या फरमाएं और मैं उस पर अमल करके दिखाऊँ साहबा को नहीं देखा एक साहबी को भेजा फ़ला बस्ती में जाकर मेरा पैगाम देकर आओ पैग़ाम दिया साथ ही शहीद हो गए खंजर मार दिया नेजा मार दिया दुश्मनों ने नेज़ा सीने से निकला तो जुबान से कह रहे थे अल्लाह की कसम काबे के रब की कसम में कामयाब हो गया क्यों महबूब ने जो ड्यूटी लगाई थी पूरी कर ली मेरे सामने अपने हमारे प्यारे हबीब की हदीफ आए और मैं ठीके, 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 ठीक है ठीक है ठीक है पता ठीक है ठीक है बबा हो गल करो और गाल करो होर गाल करो दो मजलिस दोस्ती की बात करो अपनी में रहे। करीम क्या है? और जहां हो, अदब करने वाले का सर उठ ही नहीं, नहीं, नहीं सकता सो असलम फिर यह नहीं होता कि इंसान हजीज़ रसूल सुने ठीक है लेकिन जिस इमाम का मैं लड़ पकड़ा हुआ है मैं जिसकी तकलीद करता हूं मेरे इमाम साहब ने यूं कहा हदीस तो ठीक है लेकिन मुझ पे लाजिम है इमाम की बात मानना अरे की सारी इमामत कुर्बान की जा सकती है के कदमों के ऊपर प्यारे हबीब के बाद किसी की कोई इज्जत बचती सब का अदब सब का एहतराम सबकी इज्जत लेकिन एहतराम मोहम्मद के बाद यह बेअदबी है प्यारे हबीब की कि आप हदीस सुने और फिर हदीस तो है लेकिन मेरा मजहब मेरा इमाम मेरा कौन मेरा शेख मेरा हजरत मेरा इमाम मेरी मेरी सियासत जमात मेरा मेरी पार्टी अरे कायनात से टक्कर ले लो फातिमा के बाबा को नाराज ना करो अगर आप चाहते हो कि आमद के दिन इज्जत वाला माजरा आपके साथ प्यारे हबीब का ये अदब है कि आपको आपके नाम के साथ ना पुकारा जाए ऊंची आवाज में आपके सामने बात नहीं की जाए अपनी आवाज को नबी की आवाज पर बुलंद ना किया जाए जिसकी एक सूरत यह है कि हदीस सुनकर फिर अपने इमाम और शेख और हजरत और पीर का कौल ना बयान किया जाए कि हदीस तो है पर इमाम साहब ने यू कहा है छोड़ दीजिए जब आपको हदीस पता लग जाए और हमारे दीन की रहनुमाई करने वाले तमाम आईमा ने हमें यही सिखाया इमाम मालिक राहुल

आम मुजरिम हो इम तो बरी हो गए ये कहकर कि मेरा मजहब देखना है तो मोहम्मद की हदीस को देख लो सल्लल्लाहु अलैहि सल्ला आपसे आगे ना बढ़ा जाए आपके अहकाम के खिलाफ फतवा ना दिया जाए कि हदीस तो है लेकिन हमारे मजहब का फतवा इस कॉल पे है नहीं इंसान का कोई मजहब नहीं हदीस रसूल के खिलाफ मजहब मुसलमान बना ही नहीं सकता अदीस रबिया में इश्काल तलाश ना करे बल्कि उस हदीस के खिलाफ जो अकवाल है उसके अंदर तलाश करे और यह भी आपके अदम में से है कि अगर आपकी मजलिस में जमा हुए आपकी जिंदगी के अंदर तो आपकी इजाज़त के बग़ैर से वहाँ उठा ना जाए और यह भी आपका अदब है कि आपके सहाबा के एहतराम किया जाए आपके अहल बैत का एहतराम किया जाए आपके साथियों का एहतराम किया जाए उनका नाम अदब से लिया जाए उनसे मोहब्बत की जाए उनकी तजी की जाए हीन और साहबा के राम के अदब ये है कि उनसे मोहब्बत करें उनसे रावी रहें उनके अच्छे अच्छे कामों में उनके पीछे चलें। अगर उनके दरमियान कोई झगड़ा कोई इख्तलाब कोई माजरा था भी तो उस माजरे में हम अपनी जुबानों को बंद रखें वो अल्लाह के हवाले कर दे और उनके उस इख्तलाफ को भी इजतहाद पर पेश करें कि एक साहबी ने इश्तिहाद किया दूसरे ने इश्हाद किया अगर किसी से गलती हुई तो उसकी वो गलती इजतहादी गलती थी जानबूझ कर उन्होंने खिलाफ नहीं किया इजतहादी गलती थी और इजिहाद करते हुए अगर इंसान से गलती भी हो जाए तब भी वो अल्लाह से एक अजर पाते हैं उनके झगड़ों को आप इसमें करें आप इसमें ना करें इन मजलिसों में उनको ना उछालें उनके जिहाद और उनकी तबलीग पे उनके मशकूर रहे जो उनसे बुव्ज रखे उससे बुव्ज रखे जो सहाबा से मोहब्बत करे उससे मोहब्बत करें किताब व सुन्नत का अदब यह है कि इंसान हर किताब और हर कलाम पे मुकदम जाने अल्लाह के कलाम को अल्लाह के दिए हुए प्यारे हबीब मोहम्मद करीम्लाजीज को जो हकीकत में कुरान की बेहतरीन है इन दोनों पे ईमान लाएं इनकी तजीम करें इनकी नसूस को तस्लीम करें किताब और सुन्नत को सलब साल के फहम पे समझे कुरान कैसे समझना है हजीज़ कैसे समझनी है जैसे मोहम्मद करीम सल्ला के अहाब ने समझा आपके साथियों ने समझा हमने वो सलफ का फहम लेना है और उसके मुताबिक अपना फहम बनाना है कुरान और हदीस में तदब्बर करें गौर और फिक्र करें इनको नशर करें इनको फैलाएं इनकी इज्जत करें इनके फ़दायद बयान करें इनके साथ खैर खाही वाला माजरा करें दाएं हाथ से कुरान हकीम को पकड़ें बावजू होकर कुरान हकीम की तलावत करें बाकी किताबों से ऊपर रखें उनके जाने पाँव ना बढ़ाएं देखा आपने कई लोग कुरान पढ़ते पढ़ते ज़मीन पर रख देंगे और उधर ही पाँव कर देंगे या मसाजिद के अंदर सामने रेहल पे कुरान सजे में है जो बिल्कुल जमीन के साथ मिले हुए एक इंच दो इंच जमीन से ऊपर फट्टा है उस पर कुरान रखे हुए अब ये बैठा है टांगे सीधी करके कुरान की तरफ करके ये अदब नहीं है ये बेअदबी है और बेअबे ना अदब बनब अल्लाह के कलाम का अदब करें लोग उसको जमीन पर रख देते हैं ऐसे समझते जैसे आम किताब है इंग्लिश का कि, किताब ऊपर पढ़ी है कुरनेकीम नीचे पड़ा है फिक्र ही नहीं सोच ही नहीं यह अल्लाह का कलाम है इसका अदब करे किताब और सुन्नत में ये तमाम चीजें मौजूद हैं इसको अपनाए अल्लाह की किताब के अदब दिल में बिठाए और जो शख्स ये कहे कि कुरान और हदीस ठीक है लेकिन ये उस दौर के लिए आया था आज इसके अंदर दीन का दसवां हिस्सा भी नहीं है या कयास और असूली कवानी जो लोगों ने बनाए हैं लोगों के बनाए हुए कवानी किताबों सुन से बेहतर हैं या अंग्रेजी कवानी जो बनाए हैं या पार्लियामेंट जो मंजूर करता है वो कवानी आज के दौर में कुरान और हदीस से ज्यादा बेहतर है या कुरान हदीस को मानते तो हैं जी बिल्कुल हलफ भी उठाते हैं कसम भी उठाते हैं सर पे भी रखते हैं चोरी हो जाए फैसला भी करवाते हैं लेकिन अगर आप ये चाहे कि कुरान और हदीस को आज लागू किया जाए तो आज के दौर में कुरान और हदीस को लागू नहीं किया जा सकता इसका कानून नाफिज नहीं हो सकता तो याद करें मेरे जुमले को जो ये कहे कुरान और हदीस आज के दौर में कंडम हो गए या कुरान और हदीस में जो हदूत का निजाम है वो कंडम हो गया कुरान और हदीस में जो सूद के खिलाफ बातें हैं वो आज के दौर में लागू नहीं हो सकती ऐसा कॉल रखने वाला ऐसा अकीदा रखने वाला ऐसी बात कहने वाला काफिर है वो मुसलमान नहीं है वो कलमा पढ़े तब भी काफिर है वो नमाज पढ़े तो तब भी काफिर है क्योंकि उसने अल्लाह की तोहन की है रसूलुल्लाह की तोहहीन की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने ये शरीयत उतारी है क्या की दीवारों तक कोई और नबी नहीं आएंगे प्यारे नबी ने जो हमें शरीयत दी है वो क्यामत की दीवारों तक के लिए है अब कोई और नबी नहीं आएंगे ये अल्लाह और उसके रसूल की तोहन कर रहा है जो ये कहते हैं कुरानी हदीस है तो ठीक लेकिन आज के दौर में लागू करने के लिए तिहत्तर का आइन सबसे बेहतर है कुरानो हदीस नहीं इसी तरह अमल साले के नफ़ा बख्शोने की एक शर्त यह है कि इंसान की मौत सही अकीदे पर आए और वो ईमान की हालत में मरे क्योंकि अगर मरते में वो कुफर पे मर गया

और इसी कुफर की हालत में मर जाएं इनके अमाल दुनियावी और आखरवी सब के सब उखरवी दुनियावी अमाल बर्बाद हो जाएंगे ये जहन्मी है और हमेशा हमेश के जहन्मी है बुखार मुस्लिम में प्यारे हबीब मोहम्मद करीम वसल्लम का फरमान है इन ममालबिल खुवातिन आमाल का दारो दार तो खात्मे पर है अगर खात्मा बिल खैर हुआ हुसन खात्मा हुआ ईमान पर मौत हुई तो वह अमाल अल्लाह के दरबार में इनशाला कबूल होंगे लिहाजा हर मुसलमान पे वाजिब है कि वो अपने ईमान की हिफाजत करे निफाक से बचे फितनों से बचे अल्लाह की पनाह में आए हर मुसलमान को चाहिए वो एक दुआ याद करे और इस दुआ को कसरत से अपनी जुबान पर रखे अल्लाह मुशरफ कुलूब को लूब अना फातक ऐ दिलों को फेर देने वाले हमारे दिलों को अपनी की तरफ फेर दे या मुकल्लिबल कुलूब ऐ दिल दिलों को पलटने वाले सब्यल भी अला दीनक मेरे दिल को अपने दीन की तरफ पलट दे ये दुआ भी इंसान की जुबान पे रहे हमारे दिलों को फेर ना देना हिदायत देने के बाद तूने हमें तोहेद के रास्ते पे चलाया नमाज के रास्ते पे चलाया ईमान के रास्ते पे चलाया तेरी दी हुई तोफीक थी अब हमारे दिल को वापिस कुफर की तरफ ना परट देना अपनी तरफ से हमें रहमत के हमारे साथ माजरा करना और यह भी याद रखे अच्छा अमल करे तो अल्लाह के करम और शान के लायक है कि वो उस अच्छे अमल को कबूल करता है बर्बाद नहीं करता मालिक का फरमान सुनिए फसा उनके रब ने उनकी दुआ कबूल फरमाई कि तुम में से किसी काम करने वाले के काम को वो मर्द कर रहा हो या औरत अल्लाह कभी जाया नहीं करेगा जो इंसान नेक अमल करता है अल्लाह उसको जाया नहीं किया करता दूसरी आयत में गौर कीजिए मालिक का वादा वमन बी मिन कौन है जो अल्लाह से बढ़कर अपने अहद को पूरा करने वाला हो अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें नए कामाल की तोफ़ीक अता फ़रमाए अल्लाह हमें नए काम करने की तोफ़ी अता फ़रमाए उन नए कामों को अपनी रदा के लिए कबूल फरमाए हमें जिंदा रखे तो ईमान पर रखे हमें मौत दे तो इस हाल में दे कि अल्लाह से राज़ी हो हम अपने अल्लाह से राज़ी हो अकोलि वालसा फिर